नमस्कार, लाइव लगातार से मैं राजलक्ष्मी फिलहाल मौजूद हूँ बिष्टुपुर डाक ऑफिस के बाहर। और यहाँ पर आज यूनियनों के द्वारा हड़ताल किया जा रहा है, निजीकरण का विरोध चल रहा है, डाक निजीकरण का। हम बात करते हैं इनसे और सीधे समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह का निजीकरण है और विरोध इनके द्वारा क्यों किया जा रहा है, क्यों विरोध किया जा रहा है। देखिए, भारतवर्ष में अभी हमारा 1,56,000 पोस्ट ऑफिस चल रहा है पूरा हिंदुस्तान में, और इसको पहला निजीकरण करने के लिए सरकार कदम उठाया है। IPPP 2018 में खुला है, जबकि हमारा पोस्ट ऑफिस 150 साल पुराना है। तो IPPP में मार्च करने जा रहा है, जिसमें कि IPPP एक लिमिटेड है, एक बेसरकारी संस्था है, उसमें अगर दे देगा, IPPP में मार्च कर देगा, तो हिंदुस्तान में जितना उद्योगपति है, हमारे जो पोस्ट ऑफिस में अरबों खरबों रुपया है, उन लोग कॉरपोरेट जगत को ये माने फायदा देने के लिए सरकार निजीकरण करने जा रहा है। IPPP लिमिटेड काल पैदा हुआ है 2018 में, अभी उनको 500 करोड़ से भी ज़्यादा घाटा चल रहा है। और हमारा डाक विभाग आज 150 साल पुराना है, जिसमें खरबों रुपया है। ये सरकार निजीकरण इसलिए करना चाहता है कि उद्योगपतियों को इन लोग सपोर्ट कर सके, सहायता कर सके, तो ये होने वाले नहीं देंगे। हम लोग का दूसरा मुद्दा जो है, यहाँ जैसे आपका न्यू पेंशन सिस्टम जो किया है, देखिए ये सांसद लोग विधायक लोग 5 साल के लिए बनते हैं, वो लोग आजीवन पेंशन मिलता है, और हमारा यहाँ 60 साल तक सेवा देने के बाद न्यू पेंशन स्कीम जो बनाया है, अभी तक जो रिटायरमेंट किया है, दुख की बात है, एक कर्मचारी 713 रुपया पेंशन मिला और गले में फंदा लगाकर सुइसाइड कर लिया, ये धीरोल का है, पटका से आता था। तो ऐसा दुख की बात है कि 1,000 रुपया भी पेंशन नहीं मिल रहा है, कितना दुख की बात है, जो 60 साल अपना पैसा का इंटरेस्ट की ही पेंशन देता है न्यू पेंशन स्कीम में, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देती है। तो हम लोग चाहते हैं, हम लोग को पेंशन बंद कर दिए हैं, अच्छे बात है, तो आप लोग काहे संसद विधायक रहते रहते 2-3 पेंशन काहे लीजिएगा, ये हम लोग का कहना है। अभी हम लोग का स्पीड पोस्ट का हब बना रहा है दूसरा से, कि ये जो हम लोग का डाकिया के माध्यम से बांटा जा रहा है, ये अभी एक तो प्राइवेट एजेंसी के से साथ बांटा जाएगा, डेली मजदूर के लगा के बांटा जाएगा, तो इतना कर्मचारी कहाँ आएगा। आज अगर डाक निजीकरण कर देगा, आने वाला प्रजन्म जो है, आने वाला हम लोग के बच्चे जो है, हम लोग का देश के इतने बेरोजगार युवक, वो लोग कहाँ जाएंगे, सब कोई कि पकड़ा बेचेंगे या व्यवसाय करेंगे, नौकरी भी तो चाहिए। ये नकली हमला कर रहे हैं, देखिए अभी जो BSNL का हाल जो हो गया, सेल को ये सरकार बेच दिया, बेसरकारीकरण, भेल टाटा जो स्टील लिमिटेड है आपका भेल, उसको भी कर दिया, BSNL बंद कर दिया, अभी हम रेलवे को भी बेचने जा रहा है, प्राइवेट करने जा रहा है, और डाक विभाग इतना पुराना संस्था जो 150 साल से चला रहा है, और आपका ये डाक विभाग ऐसा जगह में सेवा देता है जहाँ पहाड़ी आपका सियाचिन, जहाँ कोई नहीं जा सकता है, सियाचिन का घाटी में भी जाके हम लोग का डाक विभाग सेवा देता है, कश्मीर कन्याकुमारी जहाँ भी हो, पूरा देश में हिंदुस्तान में ये ऐसा इलाका जहाँ कोई नहीं जा पाता है, हमारा डाक विभाग जाके सेवा देता है, फिर भी इसको भी प्राइवेट निजीकरण करने जा रहा है। जो निजीकरण होने से इतना सब बेरोजगार हो जाएंगे, सब कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे, आने वाला दिन अंधकार हो जाएगा और देश का स्थिति भी खराब हो जाएगा। तो आज के इस आंदोलन से आप लोग सरकार, केंद्र सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या आपकी वार्निंग रहेगी? हम लोग का कहना है सरकार से, जो निजीकरण का प्रयास चल रहा है, ये निजीकरण को अविलंब बंद किया जाए, और जो NPS सिस्टम जो है इसको बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया जाए, हम लोग का यही मुख्य मांग है। चलिए, इस आंदोलन में कितने यूनियन शामिल हुए हैं और ये आपका कब तक ये जारी रहेगा? इसमें तो अभी हम लोगों का एक ही यूनियन शामिल है, ये एक ही दिन का स्ट्राइक है, वन डे स्ट्राइक है। आगे इसके बाद क्या किया जाएगा? आगे हम लोगों का संगठन के ऊपर से विचार किया जाएगा, इसके बाद सरकार क्या फैसला लेती है। अभी यहाँ पर कितना कामकाज प्रभावित है? यहाँ पे लगभग सभी तरह के कार्य लगभग ठप है, डाक बांटा नहीं जा रहा है, सभी तरह का काउंटर बंद है, जिसमें से बुकिंग, POSB, विड्रॉल डिपॉजिट, ये सब बंद है। कितने कर्मचारी इस ये स्ट्राइक का हिस्सा है? लगभग सभी। यहाँ पासपोर्ट केंद्र भी चलता है, पासपोर्ट सेवा चलता है, और हर दिन 90 आदमी का पासपोर्ट यहाँ बनाया जाता है, जो कि आज एक भी सिंगल भी पासपोर्ट आज नहीं बनेगा, जो आदमी घर माने लौट जाएंगे यहाँ से। पासपोर्ट सेवा भी पूरी तरह व्याधित है, और आप देख सकते हैं अंदर में, अगर पोस्ट ऑफिस खुला भी हुआ है, कोई काम नहीं हो रहा है, मोटा मोटी टोटली आज ठॉप है, पूरा सिंहभूम प्रमंडल में हम लोग का पूरा बंद है। आपका परिचय? मैं चंडीचरण साधु, डिविजनल सेक्रेटरी सिंहभूम डिविजन।
जमशेदपुर। तो यहाँ पर निजीकरण का विरोध किया जा रहा है, एक प्राइवेट कंपनी जो 2018 में बनी और कहना है कि घाटे में चल रही है, उसके साथ इतने पुराने डाक विभाग को जोड़ा जा रहा है और इसी का विरोध है। कर्मचारियों का कहना है कि जिस तरह से बाद बाकी BSNL और रेल सेवा का निजीकरण हो रहा है, कहीं ना कहीं ये भी डाक सेवा के निजीकरण की तरफ ही एक कदम है जिसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है पूर्वी सिंहभूम जिले में। और यहाँ पर आज डाक सेवा बाधित है, जो लोग हैं यहाँ पर आ रहे हैं वो लौट रहे हैं और सरकार को इस आंदोलन के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे कर्मचारी कि यदि यह निजीकरण नहीं रुकता है तो फिर आगे इसका परिणाम और बुरा होगा। देखते हैं केंद्र सरकार इस पर क्या सुनवाई करती है। फिलहाल इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से।